गाय कौन लेकर जा रहा है पुलिस से पहले इस गुंडे को पता चल जाता है। सरयाम असलहा लहराना, आप उनकी तस्वीरें देखिए, इसकी इजाजत पुलिस वाले कैसे दे सकते हैं? और गौ तस्करी रोकने के लिए क्या समाज का पूरा ठेका उनको देकर रखा है पुलिस प्रशासन ने? तो फिर पुलिस वाले किस बात का पैसा उठा रहे हैं? सैलरी लेते हैं ना पुलिस वाले? ये लोकतंत्र में धब्बा है सबसे बड़ा, सबसे पहले तो इसे गिरफ्तार करना चाहिए। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गौरक्षा के नाम पर खूनी खेल खेलने वाले मोनू मानेसर के खिलाफ अब गोदी एंकरों ने भी आवाज उठाई है। दरअसल मोनू मानेसर पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने दो मुस्लिम युवकों को गौरक्षा के नाम पर जिंदा फूंक डाला, बोलेरो गाड़ी में उन्हें बंद कर आग लगा डाला। और ऐसे में मोनू मानेसर के खिलाफ अब इस विभत्स घटना को लेकर गोदी मीडिया एंकर्स ने भी आवाज उठाई है। चित्रा त्रिपाठी और रूबिका लियाकत ने अपना अपना शो किया, जिसमें साफ तौर पर चित्रा त्रिपाठी और रूबिका लियाकत ने हरियाणा पुलिस की कार्यशैली पर और मोनू मानेसर के गुंडागर्दी पर सवाल खड़े किए। दोनों ने कहा कि भाई इतना मजबूत तंत्र मोनू मानेसर का कैसे बना कि वो पुलिस से पहले उन जगहों पर पहुंचता है और गौ तस्करी रोकने के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर लोगों का खून बहा देगा, इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देगा, ये कैसे हो सकता है? यहां तक कि चित्रा त्रिपाठी को कहना पड़ा, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये तालिबान या अफगानिस्तान नहीं है जो इस तरीके के जघन्य अपराध को कोई अंजाम देगा। उन्होंने पुलिस वालों पर सवाल खड़े किए, भैया सैलरी आपको मिलती है, गौ रक्षा गौ तस्करी का मामला ये आपको देखना है, फिर कैसे हरियाणा पुलिस के नाक के नीचे ये सब मोनू मानेसर जैसे बजरंग दल के गुंडे जाकर अपनी मनमानी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, असलहा लहराते हैं। तमाम इनके ऐसे वीडियोज और पॉलिटिकल कनेक्शन को लेकर तस्वीरें सोशल मीडिया में तैर रही है। लेकिन बात अब गोदी एंकर की अगर हो रही है, बार बार मुझे गोदी एंकर कहना पड़ रहा है, क्योंकि कभी कभी ही यह लोग संवेदनशील मुद्दे पर तर्कपूर्ण बातें करते हैं। चित्रा त्रिपाठी और रूबिका लियाकत ने इस मामले पर मोनू मानेसर को और हरियाणा पुलिस को, दोनों को आड़े हाथों लिया है। ऐसे में सबसे पहले हम आपको चित्रा त्रिपाठी के उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा सुनाएंगे, जिसमें वो अपने यूजर से बातचीत के दौरान मोनू मानेसर पर और हरियाणा पुलिस पर, दोनों पर सवाल खड़े कर रही हैं। सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि एक बात बताइए, मोनू मानेसर भले ही वीडियो जारी करके यह खुद को सफाई देता फिरे कि वो निर्दोष है, वो वहां नहीं था, उस घटना में शामिल नहीं है, लेकिन जिनके घर के दोनों नौजवान जलाए गए, जिनकी हत्या हुई, उस परिवार ने आरोप लगाया ना, जब आरोप लगाया तो मोनू मानेसर की गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चित्रा त्रिपाठी ने यह पूछा, क्योंकि अब तक पुलिस छापेमारी ही कर रही है लेकिन मोनू मानेसर गिरफ्तार नहीं हो पाया है। क्या वो राजनीतिक संरक्षण में पल बढ़ रहा है जिसके चलते उस पर हाथ लगाना आसान नहीं है? जरा सुनिए चित्रा ने क्या कुछ कहा है। लेकिन परिवार वाले जिसके घर के दो लोग जिंदा जल चुके हैं, अगर वो लोग किसी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो प्रथम दृष्टया आप उसको पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे? अभी तक वो पुलिस की पकड़ में नहीं है, तो क्या उसको बचाने की कोशिश की जा रही है? तो सुना आपने, इसके आगे चित्रा त्रिपाठी ने पुलिस वालों पर सवाल खड़े करते हुए कहा, क्या आप लोगों ने इन बजरंग दल वालों को, इन गुंडों को समाज का ठेका दे रखा है? गौरक्षा का ठेका क्या इनके ऊपर दे रखा है? या जिम्मेवारी पुलिस की बनती है तो पुलिस क्या करती है? जरा सुनिए चित्रा ने क्या कुछ कहा है। और गौ तस्करी रोकने के लिए क्या समाज का पूरा ठेका उनको देकर रखा है पुलिस प्रशासन ने? तो फिर पुलिस वाले किस बात का पैसा उठा रहे हैं? सैलरी लेते हैं ना पुलिस वाले? तो देखा आपने, मामला बेहद संवेदनशील है। हरियाणा पुलिस को बिल्कुल भी चित्रा त्रिपाठी बख्शने के मूड में नजर नहीं आती है। उन्होंने यह भी कहा, कुर्सी पर जाकर सिर्फ आप बैठते हो, आपका काम सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं है, गौ रक्षा के नाम पर अगर गुंडागर्दी हो रही है उसे रोकना आपका काम है, गौ तस्करी अगर हो रही है तो उसे भी रोकना आपका काम है, ना कि मोनू मानेसर जैसे गुंडों का काम है। सैलरी आपको मिलती है, पुलिस वालों से चित्रा त्रिपाठी कह रही है कि सैलरी अगर इन्हें मिलती है तो काम ये करेंगे ना कि कोई और आकर करेगा, ये ऐसा तो नहीं होगा कि लोग काम कर देंगे और आप कुर्सी तोड़ेंगे। सुनिए जरा चित्रा त्रिपाठी ने और क्या कुछ कहा है। देखिए, आप सेवा देते हो तो आपको सैलरी मिलती है, है मिलती है कि नहीं मिलती है? तो आपका काम अगर गौ तस्करी वाले कर रहे हैं तो आप क्या थाने में केवल जाकर बैठने के लिए हो? ये स्थितियां ठीक नहीं है। तो देखा आपने,
काफी गुस्से में चित्रा त्रिपाठी भी लग रही हैं। देश का हर नागरिक गुस्सा होगा, ये बजरंग दल वाले, ये मोनू मानेसर टाइप के गुंडे, इनको किसने अधिकार दिया कि ये कानून को अपने हाथ में लेंगे या फिर तालिबानी फरमान सुना देंगे। इन्होंने जो कृत्य किया है उसको लेकर चित्रा त्रिपाठी ने कहा कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान तालिबान में नहीं, जहां पर ऐसे जघन्य अपराध को कोई खुले तौर पर अंजाम दे सकता है। इसको लेकर पुलिस ही जवाबदेह होगी और मोनू मानेसर को अब तक गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, ये गिरफ्तार हुआ क्यों नहीं? चित्रा त्रिपाठी के इस बात की अभी खूब चर्चा हो रही है, जरा सुनिए यहां पर चित्रा त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है। किसी भी धर्म, किसी भी मजहब से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, हिंदुस्तान अफगानिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान ये तालिबान नहीं है, न पाकिस्तान है ये। इसी वजह से यहां पर ऐसे अराजक तत्वों पर लगाम लगाए जाने की जरूरत है। तो देखा आपने, चित्रा यही नहीं रुकने वाली थी, उन्होंने मोनू मानेसर के उन तस्वीरों पर भी आपत्ति जताई है कि वो सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए तस्वीरें खिंचवा रहा है, साथ ही साथ खुले तौर पर हथियार लहराता है। पुलिस कर क्या रही है भाई, इसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं की है? इसको लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा मोनू मानेसर जैसे लोगों को आखिर संरक्षण दे कौन रहा है, यह देश के लिए ठीक नहीं है, देश की स्थिति इससे बेहद खराब हो जाएगी और ये लोग हथियार लहराते रहेंगे, सोशल मीडिया पर भी दिखाएंगे, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं। कमाल है, जरा सुनिए चित्रा ने क्या कुछ कहा। मगर आप ऐसे अराजक तत्वों को नहीं दे सकते, और ये सरेआम असलहा लहराना, आप उनकी तस्वीरें देखिए, इसकी इजाजत पुलिस वाले कैसे दे सकते हैं? मैं तो हैरान हो रही हूँ कि सरेआम असलहा लहराया जा रहा है और पुलिस वालों ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो देखा आपने, चित्रा त्रिपाठी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं, मोनू मानेसर जैसे गुंडे जो खुले तौर पर घूम रहे हैं, जिसे पुलिस संरक्षण दे रही है, पुलिस के साथ इसकी साठगांठ है, दोस्ती है, इसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि राजनीतिक हलकों में अमित शाह तक इसकी पहुंच दिखाई पड़ती है, वही प्रशासन में वो कमिश्नर तक पहुंचता है। तो ऐसे में जिस गुंडे की पकड़ राजनीतिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर इतनी गहराई में होगी, उसका कोई बाल भी बांका करने से पहले तो 100 बार सोचेगा और वो खुले तौर पर अपराध को अंजाम देगा, फिर भी पुलिस उसके संरक्षण में उसके पीछे पीछे जाएगी, इस पे सवाल तो खड़े होंगे। अब बात करते हैं रूबिका लियाकत की। रूबिका लियाकत ने भी अपने शो में हैरानी जताई है कि मोनू मानेसर जैसे गुंडे को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया और इसका तंत्र कितना मजबूत है कि ये पुलिस से भी आगे चलता है। इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, जरा देखिए रूबिका लियाकत ने क्या कुछ कहा। मानेसर ये जो शख्स है, इसका तंत्र तो देखिए पुलिस से ज्यादा मजबूत है। गाय कौन लेकर जा रहा है पुलिस से पहले इस गुंडे को पता चल जाता है। तो देखा आपने, रूबिका लियाकत ने इस बात की भी चर्चा की कि सोशल मीडिया पर इसके फॉलोवर्स इतने हैं, वहां भी वो नफरत भरी बयानबाजी करता है और साथ ही साथ वो धमकी दे रहा है, असलहा लहरा रहा है और प्रशासनिक स्तर में इसकी पकड़ है, राजनीतिक हलकों में इसकी पकड़ है और इतना भयंकर घटना को इसने अंजाम दिया है, फिर भी पुलिस इसे पकड़ती क्यों नहीं? जरा सुनिए यहाँ भी रूबिका लियाकत ने क्या कुछ कहा है। 2.5 लाख इसके फॉलोवर हैं, लाइव में लोगों को धमकाता है और ये खुलेआम घूम रहा है, फोटो खिंचवा रहा है ये बड़े बड़े नेताओं के साथ। ये लोकतंत्र में धब्बा है सबसे बड़ा, सबसे पहले तो इसे गिरफ्तार करना चाहिए। तो देखा आपने, मोनू मानेसर की गिरफ्तारी किसी भी सूरत में जरूरी है, कोई भी, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के लोग हों या फिर राजनीतिक हलकों में उन्हें संरक्षण देने वाले वैसे नेता, उन सबको इस वक्त अपना चेहरा साफ करना चाहिए कि दो मुस्लिम युवकों को जिंदा फूंक दिया गया है गौरक्षा के नाम पे। ये गौरक्षक नहीं, कोई राक्षस ही होंगे जिसने इस तरीके के विभत्स घटना को अंजाम दिया है। भले ही वो लाख सफाई देता फिरे, लेकिन जब परिजनों ने आरोप लगाया तो पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती थी कि उसे गिरफ्तार करते, उसे हिरासत में लेते और सच्चाई उगलवाते कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है। अब गोदी एंकर्स जगे हैं तो देखते हैं क्या असर होता है। फिलहाल तो मोनू मानेसर के लिए पुलिस हाथ पैर ही मारती हुई दिखाई पड़ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।